क्या शुभ नाम लिखते हैं? श्री रामन शुक्ला। शुक्ला जी किस गांव से हैं? ऊसर गांव। ये कौन सा खरीदी केंद्र है जहां पे हम इस समय खड़े हैं? त्योंथर। त्योंथर में मागी क्रमांक 3 बता रहे हैं, है ना? त्योंथर ब्लॉक और रीवा मध्य प्रदेश। आप की क्या उम्र होगी इस समय? हम हैं 83 साल के। 83 साल के आप हैं। कितने क्विंटल की आपकी परमिट बनी हुई धान की? परमिट हमारा है लगभग 70 क्विंटल के। 70 क्विंटल की लगभग आपकी परमिट है। कितनी धान अभी तक आपने अपने परमिट में बेची है समिति में? एक भी धाने नहीं। कब से आप यहाँ पर लेकर के खड़े हैं अपनी धान? यहाँ पे कब से टिके हुए हैं? हाँ, यहाँ पे डेरा डाले 10-12 दिन हुआ। 15-16 तारीख क्या है? 15-16 वही लगभग आपका मकर संक्रांति के आसपास। और ये जो धान सरकार खरीद नहीं रही है, क्या कुछ शासन ने आपके समक्ष कुछ कहा क्या शासन ने? कोई आश्वासन, कोई बात? आपकी अभी तक किन किन लोगों से चर्चा हुई समिति प्रबंधक के अलावा? समिति प्रबंधक का रहा था, यहाँ मिला था, तक हमसे मिले नहीं। जी जी, तो ये जो बात है इसमें किसान का क्या दोष है? आप क्या कहना चाहते हैं किसान के पक्ष से? आप क्या कहना चाहेंगे? कोई दोष नहीं है, निर्दोष किसान है, निरीह है, इनका सुनने वाले आप ही लोग हैं जो यहाँ के कर्मचारी हैं अथवा जो निगराकार हैं, वही सब कर सकते हैं। यहाँ तुमको बोरा नहीं है, बोरा आता ही नहीं है, खरीदी बंद है, आज 14-15 दिन से पड़े हैं। बारदाना की समस्या, बोरा शब्द आपने उपयोग किया, बारदाना जिसको बोलते हैं, बारदाना की अच्छी खासी समस्या लगभग सभी खरीदी केंद्रों में रही है। आपके इस खरीदी केंद्र में बारदाना कब कब आया, कितनी बार आया कुल खरीदी में? जब से मात्र तीन बार बारदाना आया और हफ्तों बारदाने यहाँ पे नहीं आए। तो इस विषय में क्या सरकार को आपको लगता नहीं है कि वो जो समय है उसको घटा करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए? भाई सरकार ने बारदाना उपलब्ध नहीं करवाया, ये आपकी समस्या तो नहीं है, किसान की समस्या तो नहीं है, ये तो शासन की समस्या है, प्रशासन की समस्या है कि उसने व्यवस्था करवा पाने में अक्षम रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके आंख से आंसू भी, आप इतने भावुक हो गए कि आप बुजुर्ग व्यक्ति 83 साल के, आपके आंख से आंसू भी आ गए। और निश्चित तौर पे आपके आंसू नहीं है, सभी किसानों के आंसू हैं, क्योंकि जो व्यक्ति एक एक दाना उत्पन्न करके इस ठंड में, इस बारिश में, कीचड़ में, मर रहा है, निश्चित तौर पे वो दुख का विषय है। और शासन प्रशासन को इस पे सोचने की आवश्यकता है। एक बात और भी सुनने को मिल रही है, शासन प्रशासन का ये पक्ष आ रहा है कि उनका ये कहना है कि उनकी जो लिमिट थी धान खरीदी की वो लगभग पूरी हो गई है, और लिमिट पूरी होने के बाद में चूंकि ज़्यादा धान आ रही है, और उनका ये भी कहना है कहीं ना कहीं कि तराई क्षेत्र में विशेष तौर पे यूपी साइड की भी धान आ रही है, ऐसा था, तो इसकी वजह से भी धान की खरीदी प्रभावित हुई है और उसको एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे हैं। इसके विषय में आप तराई के क्षेत्र के किसानों का क्या कहना है? और तो हम तारे जानकारी में तन है बैठे वो ठैन बोरिया पर ये रहा कि शासन कहा थी वे कि हमार खरीदी पूर हो गए तो धान तो हमारे पड़ोसिन के धरी लागी वे, आई धान आई तो कहाँ से भाई? यदि कहीं बाहर से धान आई तो वो शासन प्रशासन का काम है कि उस पर कैप लगाए, उसकी जांच करे, उसको रोके, उस पर कार्यवाही करे। इसमें आप जैसे आम किसानों का तो कोई दोष नहीं है, आपका यही कहना है, क्योंकि आपकी तो एक भी दाना धान की अभी तक खरीदी नहीं हुई है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि अकेले एक नहीं, कम से कम दर्जनों मैंने इंटरव्यू इन सब किसानों के लिए लगभग, और सबका एक ही कहना है कि किसानों का इसमें कोई दोष नहीं है। और जो सरकार की अव्यवस्थाएं हैं, सरकार की समस्याएं हैं, सरकार उस अव्यवस्था, उस समस्या को किसानों के ऊपर न थोपे, उनका शोषण ना करे। और जिस तरह से किसान हितैषी सरकार होने के जो दावे कर रही हैं सरकारें, तो उनको किसानों के विषय में वास्तव में सोचने की आवश्यकता है। और जो मैं घूम करके आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, समय समय पर आपने देखा भी है कि जो यहाँ पे जो धान का अंबार भी लगा हुआ है, ये कुटिया दिख रही है, ये धान जो है एक लंबे अरसे से खरीदी जा रही है और यहाँ पे इसका उठाव भी नहीं हुआ है। मतलब परिवहन भी ना होने की वजह से खुले आसमान में ये धान पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये धान नष्ट भी हो रही है। धन्यवाद।